एक और बड़ी खबर, लाल सागर से मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी भड़काने वाली यह खबर है। हाईजैक वाले शिप पर यमनी नेवी चीफ अंसारुल्ला लाल सागर से हाईजैक किए गए जहाज का दौरा किया है। यमन के नेवल चीफ की इसराइल को खुली धमकी भी सामने आ गई है। गाजा युद्ध बंद करे इसराइल, ये यमन ने धमकाया है। गाजा युद्ध बंद नहीं हुआ तो इसराइल पर हमले बढ़ेंगे। लाल सागर में इजरायली जहाजों को टारगेट किया जाएगा, नेवी चीफ ने कहा है। यमन के नेवी चीफ ने कहा है इसराइल को गाजा युद्ध का अंजाम भुगतना होगा। तो देखिए, ये युद्ध के परिणाम ही है कि यमन भी आकर धमकी दे रहा है कि गाजा में युद्ध रोके इसराइल। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हूती फाइटर्स ने जिस ब्रिटिश मालवाहक जहाज को अगवा किया था वहां पर यमन के नेवी चीफ पहुंचकर सीधे सीधे इसराइल को धमका रहे हैं और इस शिप को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। हाईजैक शिप की इस बीच सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है और इससे भी कई खुलासे हुए हैं। यमन के पोर्ट पर गैलेक्सी लीडर नाम का ये मालवाहक जहाज देखिए मौजूद है, इसकी आप सैटेलाइट इमेज इस वक्त देख सकते हैं। गैलेक्सी लीडरशिप की लोकेशन ट्रेस की जा चुकी है। जहाजों के बीच देखा गया ये कार्गो शिप जिसे हूती विद्रोहियों ने अगवा किया था। कार्गो शिप के पास बड़ी संख्या में यमनी फोर्स भी तैनात है और हो भी क्यों ना, क्योंकि यमन की नेवी के चीफ खुद इस कार्गो शिप के ऊपर पहुंचकर धमकाते नजर आए हैं इसराइल को और कहा यह गया है कि अगर इसराइल ने गाजा पर हमले नहीं बंद किए तो आगे भी इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि इसराइल के खिलाफ हूती ने जंग का ऐलान कर दिया है। यमन के नेवल चीफ ने हाईजैक शिप का आज दौरा भी किया तो इसराइल की स्पेशल फोर्स ने हाईजैक कार्गो शिप की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस जो सामने आई हैं उससे भी कार्गो शिप की लोकेशन का पता चला है। अब इसराइल के सामने चुनौती है कि आखिर कैसे हूती और यमनी फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तो हाईजैक शिप की लोकेशन हूती के ऑपरेशन के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर जानकारी आपके सामने। दरअसल सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि यमन के पोर्ट पर गैलेक्सी लीडर है। इसके अलावा गैलेक्सी लीडर शिप की लोकेशन का पता लग चुका है। जानकारी है कि जहाजों के बीच इस शिप को देखा गया है। 430 मील दक्षिण पूर्व में इसकी लोकेशन का पता लगा है। तो ये तस्वीरें भी आप एक तरफ देख रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस का से इस बात का खुलासा हुआ है कि इसकी लोकेशन आखिरकार कहाँ है। किसी भी वक्त मुसाद का ऑपरेशन हो सकता है क्या, ये भी इसके बीच बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। तो मुसाद कभी भी किसी बड़े ऑपरेशन को क्या अंजाम दे सकता है। हाईजैकर्स से शिप को छुड़ाने की तैयारी भी इस बीच बताया जा रहा है कि मुसाद के साथ कमांडो क्या इस पर स्ट्राइक करेंगे और शिप को छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका से इसको लेकर खुफिया इनपुट भी मिला है। इस बीच जरूरी जानकारी आपके लिए ये कि 5 दिन से हूती के कब्जे में है यह कार्गो शिप। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हूती की कैद में क्रू के साथ 25 लोग कुल बताए जा रहे हैं। लाल सागर से कार्गो शिप हाईजैक किया गया और ऐसे में IDF के टारगेट को लेकर बता दें हूती के 2 लाख लड़ाके IDF के टारगेट पर है। हूती का तस्करी नेटवर्क भी IDF के टारगेट पर है।